गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव फ्रेंड अनन्या। जैसे कि आप समझ गए होंगे पिक्चर फ्रिज है तो ये फ्रिज की वीडियो है। सो आज की हमारी ये वीडियो है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और हमारा फ्रिज टूर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिज के गेट से। सो ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन है। सो आपको बताते हैं, यहाँ पे हमने चिट्स से लगा रखा है। पाव भाजी मसाला है और ये चना मसाला, ये सांभर मसाला एंड ये देगी मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च एंड ये फूड कलर एंड ये आई ड्रॉप है हमारी चिंकिंग मस्टर्ड पाउडर, कस्तूरी मेथी एंड कोको पाउडर एंड यहाँ पे हमारी नेल पेंट एंड मेहंदी की कीप्स रखी हुई है इस सेक्शन में। एंड नीचे ब्रेड है, ब्रेड एंड सॉस है ये एंड ये रॉब्जा एंड ये सॉस है केचप। अभी सबसे नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं। सो यहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है, ये ठंडाई पाउडर है, ये होममेड है, ये मम्मी ने खुद ही बनाया था घर पे एंड दिस इज टूटू एंड सो इसमें कुछ सामान है, ये हमारा एयर टाइट कंटेनर में हमने करके स्टोर करके रखा हुआ है। अभी फ्रीजर पे चलते हैं। तो फ्रीजर है, इसमें हमने मलाई रख रखी है एयर टाइट कंटेनर में करके रखे। अभी आइस नहीं है, हमने जमाई भी नहीं है बिकॉज मौसम ठीक है, आइस की कोई ज़रूरत नहीं है एंड फ्रीजर को क्लोज कर देते हैं। एंड अब आता है इसकी ट्रे की। सो हमने यहाँ पे मोजरेला चीज रख रखी है स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर में। सो हमारे फ्रिज में तीन सेक्शंस हैं। सो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें कि हमने यहाँ पे दही जमा के रख रखी है एंड ये पानी है गोलगप्पा पानी, इसको हमने कांच के बाउल में रखा है एंड और ये टाइट कांच का बॉक्स है। यहाँ पे नीचे एक स्पेस सेविंग बास्केट लगा रखी है, इसकी अभी जरूरत तो नहीं है बिकॉज हमारे फ्रिज में स्पेस है बट आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। इसमें चटनी और ये आलू गोभी की लेफ्टओवर सब्जी है। सो ये बास्केट का आप साइज छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। एंड हमारे पास चार है बट आपको दिखाने के लिए फिलहाल हमने अपने फ्रिज में भी एक ही लगा रखी है बिकॉज स्पेस है। अभी हमारे फ्रिज में ऑलरेडी काफी स्पेस है तो स्पेस सेविंग बास्केट की कोई जरूरत नहीं है। एंड हमारा सेकंड सेक्शन एम्प्टी है लेफ्ट ओवर फूड्स के लिए, जो रात को बच जाता है आटा सब्जी वगैरह उसके लिए हमने एम्प्टी छोड़ रखा है जिससे संगवाना ना पड़े एकदम से। सो दैट्स व्हाई है। और अब तीसरे सेक्शन पे आते हैं एंड सो ये हमने एयर टाइट बॉक्स रख रखा है यहाँ पे। सो ये एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमने नैपकिन डालकर लेमन एंड जिंजर्स रख रखे हैं। सो ये हमारा सेकेंड बिग बॉक्स कंटेनर है। तो इसके अंदर जैसे कि व्रत का जो भी आइटम होता है जैसे कि मूंगफली एंड दिस इज सेमोलिना एंड दिस इज कींगरी विच इज स्मॉल चावल एंड कूटू का आटा। सो ये सब व्रत का आइटम है इसके अंदर। सो ये सब आइटम व्रत का होते हैं, ये फास्टिंग के लिए तो ये काफ़ी रेयरली यूज होते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने एक कंटेनर के अंदर रख दिए हैं। सो जब भी यूज होते हैं एक साथ यूज होता है। सो अभी हमने रख दिया है, अभी तीसरा कंटेनर ले लेते हैं जिसके हमारे थर्ड सेक्शन में तीन कंटेनर थे। सो ये जो तीसरा कंटेनर है इसके अंदर बेसिकली हमने इमली रखी हुई है स्टोर करके, तो आप देख सकते हैं। सो एक छोटा सा सेक्शन है हमारे टब के ऊपर जिसमें हमने इस बॉक्स में अपने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं एंड दिस इज वॉलनट्स और ये है कूटू विच इज आई थिंक खिचड़ी वाला जो कूटू होता है जो आटे से अलग होता है वो ये कूटू है। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल चीज है टब के ऊपर आ जाता है क्योंकि टब कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता ढंग से। सो अभी हमने काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सो आपको दिखाते हैं। सो अभी हमारा टब बाहर आ गया है। सो आप देख सकते हैं हमने बेसिकली इसके अंदर 5 एयर टाइट कंटेनर के कैप्स हटा कर रखे हुए हैं एंड ये ऐसा डिब्बा है जिसमें जैसे कोई भी हाफ कटरेड है सब्जी बजा दी जैसे ये हाफ है एंड कुछ ये दो मूलियां हैं वो एंड मतलब ये जो भी थोड़ी सी वेजिटेबल होती है जो कि एक्स्ट्रा होती है उसके लिए है। यहाँ पे हमने कैप्सिकम, यहाँ पे टमाटो और इसमें कुकुम्बर और इसमें मौसमी रखी हुई है। सबके अंदर हमने एक नैपकिन बिछाए हुए हैं देन उसके ऊपर ही रखा हुआ है। सो अभी साइड में आता है तो सबसे ऊपर ये जो बॉक्स रखा है इसके अंदर हमने स्टोर की हुई पीस जो कि मटर। सो जैसे कि पीस फ्रिक्वेंटली यूज़ हो जाती है तो हमें तो फ्रीजर में स्टोर करने की जरूरत पड़ती नहीं है। सो ये हमारा दूसरा बॉक्स जो कि इस बॉक्स के नीचे था एंड ये भी एयर टाइट कंटेनर का ही बॉक्स है एंड ये भी एयर टाइट कंटेनर। इसके अंदर हमने बेसिकली ग्रीन पीस करी हुई हैं मतलब स्टोर की हुई हैं जिनकी डंठल हमने निकाल दी बिकॉज डंडी निकाल के वो जल्दी से खराब नहीं होती और इसमें भी हमने नीचे नैपकिन लगाया हुआ। सो टब हम चाहे कितना भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब भी वो सब्जियां थैलियों में रहती हैं तो कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, वो एक के ऊपर एक होके वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की तो बैंड ही बच जाती है। और यहाँ पे बेसिकली हमने डिब्बे सो इन डिब्बों से ना सब्जियां ढूंढना भी बहुत
सो इन डिब्बों से सब्जी ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है और इन्हें स्टोर करना भी। जब टमाटर आते हैं हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कुकुम्बर वगैरह आते रहते हैं तो हम सेपरेटली डालते देते हैं और यूज करने के टाइम पे इजीली मिल भी जाता है।